तो आज हम विदिन 50 रुपीज़ हम घर बैठे बैठे जो कार का फ्रंट ग्रिल है उसको एक ऑथेंटिक लुक देने वाले हैं, आर्टिजन लुक देने वाले हैं, वो आप देखेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है ओम, आप देख रहे हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो, स्टे ट्यून्ड। सी गाइस, दिस इज माय ब्रदर्स इयोन, हुंडई इसका कार मेकर है। और आप इसको देख रहे होंगे ब्लैक, बट ब्लैक नहीं थी, ये मेटालिक ग्रे थी। इसको हमने वाइनल रैप से शाइनी ब्लैक कोट किया है। अब आप इसमें देख भी पा रहे होंगे इसके फ्रंट ग्रिल्स, हमने इसकी जो छत है वो भी रेड की है। दिस इज आर फ्रंट ग्रिल जो एक अपनी इंडियन कंपनीज ऐसे देती हैं। ये टॉप वाली है और नीचे मैंने आपको दिखाई थी नीचे वाली। सो अब हम इसको बम्पर को निकालेंगे। सो अनस्क्रू करेंगे हम स्क्रूज को और ये हमने बम्पर अब निकाल दिया। अब जो इसको ग्रिल था, ग्रिल को हम हुक्स में से निकाल लेंगे। इजी स्टेप होता है, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रही है, चलती हुई गाड़ी गंदी हो जाती है, हुक्स में से निकाल देंगे। और फिर अब देखिए आप, हमने निकाल लिया है, ऐसा आपको दिखाई देगा। ये वो से ग्रिल पड़ा हुआ है, ग्रिल। हाँ, जो मेन प्रोडक्ट अपना है ये वायर मेश होती है, एल्यूमिनियम की भी आती है, लोहे की भी आती है, विच एवर यू लाइक। मैंने लोहे वाली ली है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हम इसको एक जो अपना ग्रिल था उसकी शेप में हम इसको कट करने वाले हैं, जैसे हमने कट कर भी दिया इसको। और नेक्स्ट स्टेप है, हम इसके जो एंड्स होंगे, एजेस को हम मोड़ देंगे ताकि वो हमारी जो एक्चुअल ग्रिल है उसमें फिट हो जाए। इस तरह वो उसने उसको एक बॉन्ड कर लिया, अच्छे से हग कर लिया। और ये ऑलमोस्ट हमारी फ्रंट ग्रिल तैयार हो गई है। अब हम इसको इसमें से फिट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा पेंटिंग होगा, जो हम अपनी ग्रिल को जो हमने कस्टम की है, कस्टमाइज की है, क्योंकि वो हम लोहे की लाए हैं तो जंग पकड़ सकती है, इसलिए हम सिल्वर कलर उसको करने वाले हैं। एक कंट्रास्ट रहेगा ब्लैक और सिल्वर का, और फिर इस तरह हम उसको फिट कर देंगे। अब बैक हम अपना जो एक्चुअल ग्रिल था विद कस्टम ग्रिल, हम उसको बम्पर में फिट करेंगे। अब वही जो हमारे हुक्स थे उनमें फिर से हमें इसको डाल देना है। और ये हमारा जो एक कस्टम ग्रिल हमने जो बनाई है, ये बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे कंपनी से ही आई थी। अभी आप देखेंगे इसको, बस हमें हुक्स में इसको अच्छे से डालना है ताकि ये अच्छे से निकले ना कभी। फिर देखिए, एक क्लासी लुक आपको दोबारा मिल रहा होगा इसमें। थोड़े बम्पर में मैंने और भी चेंजेस किए हुए हैं, ईयोन का बम्पर ऐसा नहीं होता है। फिर कभी बताएंगे इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इस चीज पे। ये हमारा कंप्लीट हो गया बम्पर। अब बम्पर से फिटमेंट रह रहा है कार में, तो मैं रात को इसमें सिर्फ इसलिए फिट करना चाहता था ताकि मैं आपको दिखाऊं रात में लगेगी कैसे। एक कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाई दे रहा है अभी, अब फोटो में शायद इतना, वीडियोस में इतना अच्छा ना भी लग रहा हो, बट इन रियलिटी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। एक कुछ मैंने स्क्रूज लगाए हैं ताकि वो बिल्कुल ना निकल पाए आगे से, पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये हमने अपनी जो हमारा एक आज का वीडियो था कस्टम ग्रिल बनाने का, वो हमने बना दिया विदाउट इफेक्टिंग एनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द कार बम्पर की। एक्चुअल ग्रिल भी है और बम्पर जो हमने इस पे नया ग्रिल बनाया है वो भी है।
गाइस आपने हमारा वीडियो देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा, क्या सजेशंस आप हमें दे सकते हैं, क्या आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, कमेंट करके हमें बताएं और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।